वेलकम टू माय फर्स्ट फिटनेस व्लॉग। तो भाई आज कराएंगे आप लेग्स। तो लेग्स करने खाते से तब पहले आप ने बढ़िया वार्म अप होना जरूरी है, क्योंकि भाई हैवी वेट उठाओगे तो कितने मिनट का लेग्स का कदम है, हैमस्ट्रिंग खिंच सका है, तो सारी चीज़ प्रॉपर वार्म अप होनी चाहिए। ठीक है, वार्म अप करके पहली एक्सरसाइज लगाओगे स्क्वाट, हैवी लगाओगे देखाएँ कितनी जा सका आपका। ठीक है, घनी लगाया तो ना करो क्योंकि गोडे में दिक्कत है, लेकिन आज जितनी लिमिट है उसने पुश कराएंगे तो हैवी स्क्वाट लगाओगे। चलो तो भाई अभी जो कंडीशन है या मतलब बिल्कुल नेचुरल है, स्टार्ट नहीं करें वर्कआउट के बाद जो पंप होगा लास्ट में वो तो पाओगे। ठीक है, चलो वार्म अप करके शुरू करते हैं। तो वह स्क्वाट लगा कर मन ने सोचा मन ही थोड़ा गिर करना चाहिए, पंप देखना चाहिए अपनी थाइस का। कोई भी सेट लगाओ, कोई भी एक्सरसाइज करो, उसके बाद फ्लैक्स जरूर करो, क्योंकि फ्लैक्स करने से ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारी मसल मतलब अच्छे से पंप होगी, अच्छे खास साइज निकलेगा। ठीक है, इसके बाद स्क्वाट के बाद 4 सेट करें स्क्वाट के, फिर हमने लगाई वॉकिंग लंजेस। इसमें तो भाई 5 लग रही थी कति वेट के साथ लगाए थे हमने, 4 सेट इसके लगाए थे, पहला सेट 10 का, फिर दूसरा सेट 12 का, फिर 15 का और फिर 17। वॉकिंग लंजेस भी मतलब थाइस करो जब भी, तो इन थाइस के लिए कई जमा मशीन होती थी, तो इन थाइस के लिए बहुत बेटर होती है वॉकिंग लंजेस और क्वाड्स के लिए। लगातार लगाया करो, जीत आ रही गल है तो बंदा भी मतलब आखिर थी जीदारी करके कुछ नहीं था भाई, कैमरे आगे जान जाऊँ तो और फालतू आंगल आ गया, लेकिन अंदर तो मन नहीं भी रहा कि मेरी कैंच लकड़ी पड़ी थी। हम पहुंच गए अपने मतलब धर दिया डंबल भाई, आहो हो हो मेरे मुंह तो देख सको होता मैं तो बोल सका। दूसरी एक्सरसाइज थी वॉकिंग लंजेस, स्क्वाट में 140 मारा लास्ट, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है भाई, सो तो आ जा सो बात है। गाने बंद हो रहे हैं, गाने बंद हो रहे हैं का स्क्वाट भाई वाह आ गया मतलब ये हमराज सर पे बैठे रहे तो भाई वेट पे करना चाहता रहते हैं, अब मसला काम करना है, काम खा करने वेट के नीचे बढ़ कर रहते इकट वाले बड़ा वाले एक्सरसाइज होगा ना, चोट खा ले बहुत सर्वाइव हो जा। ठीक है,
जो वेट है भाई तो भाई लेग प्रेस करके फिर हमने करी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में सत्त लोग तीन इतनी ताती हो जाए अति आखिर में जी लगना हो जाए। ये अपन कर दिया शुरू जो अच्छे चीता ही कह दे चल। ये भैया नई मशीन आई हमारी जिम में, पहला जो एंगल बना था एक्सटेंशन में वो डिफरेंट था, इसमें थोड़ा अलग बना है। तो इस मसल पर काम इतना कर रखा तो जल्दी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जिदारी करते ये कम ऑन शाबाश वेरी गुड छोटे हो। तो भाई वर्कआउट में होगी क्योंकि हालत खराब चलने की आशक नहीं है, मैं सिर्फ डाइट लेकर पढ़ूंगा। तो इस व्लॉग में इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू, बाय बाय।